हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का टेस्टी हलवा। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से सूजी का हलवा बनाएंगे तो इसका एक एक दाना खिला हुआ बनेगा और ये घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जब कभी आपका कुछ हल्का मीठा खाने का मन हो, तब आप बहुत ही आसानी से और झटपट से सूजी का हलवा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं नरम मुलायम मुँह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें हम शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है और एक कटोरी सूजी के लिए हम 3 कटोरी के लगभग पानी पैन में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 कटोरी के लगभग पानी मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसे हम गर्म होने देते हैं। तो पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मिला देंगे 1 कटोरी शक्कर। और शक्कर मिलाने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे 10 से 15 मैंने यहाँ पर केसर के धागे लिए हैं, इसे हम डाल देंगे पानी में और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शक्कर को मेल्ट होने देंगे। तो केसर के धागे मिलाने से इसमें देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और इसे पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे। और अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए घी हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 15 मैंने बादाम लिए हैं और इसे मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे और बारीक भी काट सकते हैं। और इतनी ही क्वांटिटी में काजू लिए हैं, इसे भी डाल देंगे और इसे घी के साथ में मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए काजू बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 15 किशमिश। तो किशमिश को हम बाद में फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे 8 से 10 सेकंड के लिए। तो सभी ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और आप इसमें जो भी आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट हैं उसे ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 50 ग्राम के लगभग घी और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए घी गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कटोरी सूजी। तो हलवा बनाने के लिए अगर आप बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए सूजी मैंने कढ़ाई में डाल दी है और अब इसे हम घी के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसका रंग हल्का सा सुनहरा होने तक। तो चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये सूजी तले पर लग भी सकती है। तो ये देखिए सूजी को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हल्का सुनहरा कलर इसमें आ गया है। तो बस इसी समय पर अब इसमें हम मिला देंगे शुगर सिरप और इसे मिलाते समय हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। तो ये देखिए शुगर सिरप मैंने डाल दी है कढ़ाई में और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। तो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है, इसे मैंने हल्का कूट कर इसका पाउडर बना लिया है। डाल देंगे इसे भी कढ़ाई में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए हलवे को पकाते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हलवे ने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो बस अभी हमारा सूजी का टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अच्छे से खिल गया है। तो बनकर तैयार है हमारा मुंह में पानी ला देने वाला सूजी का टेस्टी हलवा। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और सूजी के हलवे को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो सूजी के हलवे को अब हम सर्व कर लेते हैं और ये लीजिए बनकर तैयार है एकदम नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला दानेदार सूजी का हलवा। तो अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो घर में आप सभी की तारीफ पाएंगे, सबका खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन मन किसी का भी नहीं भरेगा। तो फिर आप भी इस तरह से एक बार सूजी का हलवा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक
लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।